नमस्ते दोस्तों, पोल्ट्री का 19वां दिन है आज। पोल्ट्री में सुबह सुबह आने के बाद बड़ी राहत की सांस लिए हैं मैंने, क्योंकि जो सर्दी वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था वो आज कम हो चुका है। मतलब बहुत कम आवाज़ बहुत कम आ रही है, जो कचकच की आवाज़ आ रही थी अपने को आज बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि कल रात को हम लोगों ने दवाई चलाई हुई थी और आज भी मैंने दवाई चला दी है और शाम के पानी में फिर से वही वाली दवाई मिलाई जाएगी। दोस्तों, दवाई के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कौन सी दवाई चलाई थी, क्या चलाई थी, क्योंकि ये जो नॉर्मल सर्दी है जिसमें हम लोग वैक्सीन पाउडर या कोई भी एंटीबायोटिक पाउडर चला देते हैं, नॉर्मल पाउडर, वो तो नॉर्मल है दोस्तों, वो तो हर कोई बता रहा है। लेकिन अगर कुछ अच्छी दवाई या ज़्यादा बीमार आपके बच्चे चूजे लग रहे हैं आपको, तो यूट्यूब पे देख के या कुछ करके मत उसको दवाई चलाना। सीधा आपके बाजू में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या जो भी एनिमल्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल है उनके पास जाके उनका सजेशन लेके ही दवाई चलाएं, ताकि कोई गैर इफेक्ट ना हो जाए अपने चूज़ों पर और मोर्टालिटी से बच सके। क्योंकि आप यूट्यूब पे देख के या कहीं पे देख के दवाई अगर चलाओगे तो उसका भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। मैंने जो दवाई चलाई है, अगर उसका अच्छा रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा, आज तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैंने कल दवाई चलाई थी थोड़ी महंगी वाली है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मेरे भरोसे पे मत रहना, क्योंकि आपकी बीमारी और मेरी वाली बीमारी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मैंने भी एक्सपर्ट का सजेशन लेके ही चलाई थी, मैंने अपने आप से नहीं चलाई थी वो दवाई। लेकिन दवाई मैं बता दूंगा, अगर मेरे को उसका 100% रिजल्ट मिल जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल कल तो मेरे पास बहुत सारे चूज़े थे जो नज़र आ रहे थे मेरे को ऐसी वाली आवाज़ करते हुए, लेकिन आज बहुत कम चूज़े हैं, इसके लिए मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक हाथ चूज़े को ढूंढ लो, वैसे वाला जो कचकच की आवाज़ कर रहा है, तो आप लोग को पता चल जाए शायद कि कौन सी बीमारी और मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मतलब ये CRD की स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब चूज़े आए थे तब से लेकर 2 दिन पहले तक यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो ज़्यादातर अपने पर्दे जो है, कर्टन्स जो है, नीचे ही रहते थे, तो गैस के वजह से या नमी के वजह से लोगों में CRD आ सकता है। तो मुझे जब शुरुआती स्टेज लगी तो मैंने तुरंत एक्सपर्ट से पूछ करके मैंने वो वाली दवाई चलाई थी। आप इस बात का ध्यान रखें कि पर्दे जो है हमेशा जितना ज़्यादा देर खुला रख सकते हो, मतलब जैसे ही सूरज निकल आए या सूरज निकलने वाला हो, पर्दे को खोल के सूरज नीचे जाने के बाद ही पर्दे नीचे कर लेना, उसके पहले आप पर्दों को नीचे मत करना। जितना देर पर्दा खुले रखोगे, क्योंकि इसमें जो अमोनिया गैस बनता है उस गैस के वजह से CRD आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फिलहाल तो मेरे को कोई चूज़ा ऐसे नज़र नहीं आ रहा है जो मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि कहीं कहीं बीच में अभी आवाज़ आ रही है, पहले तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। कल सुबह सुबह जब हम लोग आए, कल तो हम लोगों ने डीबेकिंग भी कर लिया है, जिसके वीडियो मैंने अपलोड कर लिए है। अगर कोई नए मित्र है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को जाके देख सकते हो आप।